नमस्ते। ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर लेते हैं। पहला जाता है पृथ्वी के किसी स्थान पर खड़े व्यक्ति के यदि ठीक सिर के ऊपर सूर्य होता है तो उस स्थान पर समय क्या होता है, ये होता है दोपहर के 12 बजे। सेकंड आ जाता है प्रधान याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है देशांतर। समान देशांतरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, वो देशांतर रेखा है। लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली प्रधान याम्योत्तर का देशांतर है 0 डिग्री। कोरिया क्रोड का दूसरा नाम है बेरीस्फीयर। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, इसलिए ये कहलाता है निम्न गति का मंडल। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल है, मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर पर ताप में कितनी वृद्धि हो जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्थानीय दृढ़ भूखंड कहलाते हैं प्लेट। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1960 में हेनरी हेस ने दिया था। एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश है तुर्की, जिसे हम लोग टर्की के नाम टर्की भी कहते हैं, टर्की या तुर्की। विषमताओं का महाद्वीप है एशिया। उत्तरी गोलार्ध में स्थित संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया सिंगल द्वीप कहलाता था श्रीलंका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजरती है, इसलिए यह महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी दो गोलार्धों में बांट देती है, इसलिए इसे अ कॉन्टिनेंट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। सी ऑफ पीस कहलाता है मृत सागर। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग अंटार्कटिका का। पहली बार अंटार्कटिका को कवर कर लेते हैं। तो ये जो अंटार्कटिका है ये दक्षिणी ध्रुव है और ये सफ़ेद रेगिस्तान से कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है बर्फ़ की मोटी परत के कारण। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये संसार का 5th सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एक अकेला महाद्वीप है जहाँ कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप ही कहलाता है। 86% बर्फ विश्व की यही है। यहाँ पर जो मछली है वो है क्रिल। वनस्पति है लाइकेन व मॉस। और पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाने वाली चिड़िया है। हालांकि ये चिड़िया है लेकिन ये उड़ती नहीं है। पाल्मर एकमात्र बर्फ से मुक्त क्षेत्र है यहाँ का। एरबुस एकमात्र यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी का शिखर है। ब्लीजर्ड यहाँ पर वर्ष भर तेज शीत पवनें चलती रहती है जिन्हें ब्लीजर्ड कहा जाता है। और महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित करती है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। भारत ने यहाँ पर 2 स्थायी स्टेशन बनाए हैं। एक बनाया है गंगोत्री 1983 में, सेकंड मैत्री 1987 में। और ये विश्व का सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। इसके खोजकर्ता जेम्स कुक थे। यहाँ पर 90% मीठे पानी का खजाना है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। सर्दियों में तो ये 0 से भी -95 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक चला जाता है। ये जो महाद्वीप है अंत महासागर मतलब अटलांटिक महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इनसे घिरा हुआ है। और डॉक्टर जी एस सिरोही ये फर्स्ट इंडियन थे जो यहाँ पहुँचे, इसीलिए यहाँ पर जो एक जगह है उसका नाम सिरोही स्थल है। इसे बर्फीला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इसका भौगोलिक आकार बदलता रहता है। यहाँ पर यहाँ तक हो गया है अंटार्कटिका महाद्वीप। हमने एक बार थोड़ा उसको कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद में थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी के और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जैसे यूएसए और कनाडा की जो सीमा रेखा है वो है 49th उत्तरी अक्षांश रेखा। और दक्षिणी अमेरिका इसे निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक पन्ना कोलंबिया में है और सर्वाधिक चिली में विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। धन्यवाद।